वेलकम बैक टू टेक बख्शी यूट्यूब चैनल। डेल की एलियन वीयर सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। लोगों के द्वारा ये लैपटॉप्स काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। एलियन वीयर X15 R2 और X17 R2 12 जनरेशन इंटेल चिप के साथ एनवीडिया जी फोर्स RTX 30 सीरीज के साथ इंडिया में लॉन्च किए जा चुके हैं। प्राइसिंग भी दोनों की काफी ज्यादा अमेजिंग है। स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये लैपटॉप्स मेनली गेमिंग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। बेजल्स इसमें काफी मोटे हैं अपर और डाउन साइड में। साइड में आपको बेजल थोड़े कम दिखाई देंगे। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ये आता है। हार्डवेयर भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं दीवाना हूँ इन लैपटॉप्स का, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस है, गेमिंग करने का जो एक्सपीरियंस है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की प्राइसिंग में। एलियन वीयर X15 R2 की स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है 2,49,990 रुपीज से, और एलियन वीयर X17 R2 2,99,990 रुपीज से शुरू हो जाता है। लूनर लाइट कलर के साथ ये लैपटॉप्स आते हैं। फीचर्स वाइज भी काफी ज्यादा सेम है ये लैपटॉप्स। इसमें आपको कोर i7 और i9 के प्रोसेसर मिल जाते हैं। ये दोनों ही 12 जनरेशन के प्रोसेसर है। जी फोर्स RTX 3080 के ग्राफिक कार्ड लगे हैं। क्रायोटेक कूलिंग के साथ ही आते हैं। DDR5 रैम भी इन लैपटॉप से मिल जाती है। बैकलाइट का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन एलियन वीयर X15 R2 की। एलियन वीयर X15 R2 विंडो 11 पे आता है। ये लैपटॉप 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, जो फुल HD है। 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिलेगी। दो प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है इंटेल कोर i7 12 जनरेशन का, और सेकंड है इंटेल कोर i9 12 जनरेशन का। दोनों ही प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छे हैं। इनकी स्टार्टिंग प्राइस मैं बता चुका हूं, आपको हर एक वेरिएंट के लिए अलग अलग पैसे खर्च करने पड़ेंगे। LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिल जाता है। इनबिल्ट आपको 32GB रैम मिल जाती है। जी फोर्स RTX 3080 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। 16GB डेडिकेटेड मेमोरी मिल जाती है ग्राफिक कार्ड में। तो जितनी मर्जी हैवी गेमिंग हो, आप इजीली इन लैपटॉप्स में कर पाओगे। ये लैपटॉप गेमिंग के लिए ही बनाया गया है। मेमोरी के बारे में बात करूं तो 2 TB की M.2 PCIe NVM जनरेशन 4 SSD लगाई गई है। डाटा आपका काफी ज्यादा सिक्योर रहने वाला है इसमें। USB 3.0 जनरेशन 1 का पोर्ट इसमें मिल जाता है। दो टाइप सी पोर्ट्स भी आपको मिलते हैं USB 3.2 जनरेशन के। डिस्प्ले पोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। थर्बो बोल्ट 4 के साथ ये लैपटॉप आता है। ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। इस लैपटॉप का वेट अराउंड 2.27 केजी का है। बैटरी आपको इसमें 87 वाट आवर की मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट इस लैपटॉप में मिल जाता है। एलियन वीयर X17 R2 की स्पेसिफिकेशन स्क्रीन वाइज और जो हर्ट्स है वो थोड़ी डिफरेंट है। स्क्रीन इसमें आपको 17.3 इंचेस की मिल जाती है। 360 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। एनवीडिया जी फोर सिंक डिस्प्ले के साथ ये लैपटॉप आता है। इसमें भी आपको 12 जनरेशन के दो प्रोसेसर मिल जाएंगे, इंटेल आई कोर i7 और इंटेल कोर i9 का प्रोसेसर मिल जाता है। G4 RTX 3080 का ग्राफिक कार्ड इस लैपटॉप में भी दिया गया है। DDR5 रैम मिल जाती है 32GB की स्टार्टिंग आपको इसमें। आप अपनी मर्जी से एक्सपेंड कर सकते हो इसकी रैम को भी। इस लैपटॉप में 1 TB की M.2 PCIe NVM E-Generation 4 SSD मिल जाती है। USB 3.2 जनरेशन का एक पोर्ट मिल जाता है जो पावर शेयरिंग के साथ आता है। दो टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं USB 3.0 जनरेशन के। डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है। एक थंडरबोल्ट 4
पावर डिलीवरी वाला पोर्ट भी मिल जाता है। यूनिवर्सल ऑडियो जैक दोनों ही लैपटॉप में मिल जाते हैं आपको। HDMI 2.1 का सपोर्ट मिल जाता है। इस लैपटॉप में भी आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है। वेट इस लैपटॉप का काफ़ी ज़्यादा है, X17 से 3.2 kg का वेट मिलेगा। इस लैपटॉप में आपको 87 वाट आवर की बैटरी इस लैपटॉप में डेल के द्वारा फिट की गई है। HD कैमरा ड्यूल एरे माइक्रोफोन के साथ ये लैपटॉप आता है। ये दोनों लैपटॉप अपनी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इन लैपटॉप्स का बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्या आप इनकी प्राइसिंग से सेटिस्फाइड हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। ये लैपटॉप आपको डेल के स्टोर में भी मिल जाएंगे और डेल की ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो वहाँ से खरीद सकते हो। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेकपक्षी यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलें, मैं वहाँ पे मैक्सिमम एक्टिव रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।